में 8 घरों में चोरी हुई है। चरवा ग्राम में पंचायत सिरुआ और प्रखंड थाना गावा थाना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देख रहे हैं कि 30 अक्टूबर को जिस तरीके से ऋषि कुमार की हत्या हुई और ऋषि कुमार की हत्या के बावजूद भी आज तक उद्भेदन नहीं होना और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि चरवा ग्राम में 8 से 10 घरों में चोरी हो गई। जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके घर में भी लाखों 50,000, 10,000, 20,000 रुपया का चावल तक लेके आ। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ रहा है, चोरी डकैती अपराध हत्या बढ़ रहा है, तो ये पूरी जनता को ही अपराधियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। और हम गांवा पुलिस को मांग करते हैं कि इन्हें जो भी चोरी डकैती अपराधी लोग जो शामिल हैं उसका उद्भेदन पुलिस करे। हम लोग 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, 1 सप्ताह के अंदर में यदि अपराधियों को खोज नहीं निकाला गया और ऐसे अपराधियों को सजा नहीं दी गई तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी। और 7 दिसंबर के बाद हम लोग फिर से थाना का घेराव करेंगे। और हम समझते हैं कि गांवा थाना में जो हम लोग 2004 से लेकर के लगातार अपराधियों के खिलाफ लड़ करके जो शांत बहाल किए थे, फिर से जो है सो गांवा थाना के अंदर में आम लोगों का जिंदगी और जान माल आज खतरे में है। इसलिए हम लोग आज पुलिस को भी चेतावनी दे रहे हैं कि खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा, अपराधियों को ढूंढ के निकाला जाए। और ये अपराधी कोई बाहर का नहीं है, इलाके और लोकल और स्थानीय है। इसलिए किसी भी कीमत पर हम लोग ये चोरी डकैती अपहरण और हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम चरवा के लोगों से भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर में हम यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग करेंगे और इसके खिलाफ में एक मार्च भी निकालेंगे ताकि अपराधियों को एक चेतावनी दिया जा सके। आज आप देख रहे हैं कि सोनू रविदास से लेकर के तमाम तरह के जो घटनाएं घट रही है, आम लोग आज दहशत गर्दी में जी रहा है और इस तरह से रहा है सामान जिस तरह से ले गया, कल तो किसी को मुड़ी काट करके भी चला जाएगा और लोग कुछ नहीं सोच पाएगा। यही हम कहने के लिए हैं। और अभी हम लोगों ने तमाम घरों में जो चोरी हुआ उसका निरीक्षण किए और पुलिस इसको गंभीरता से ले, यदि लापरवाही दर्शाया तो हम लोग 7 दिसंबर के बाद हजारों लोग फिर से सड़क पर उतरेंगे।